और इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी ने हमें कॉल किया है झारखंड से। राजेंद्र जी, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? सवाल यही है कि हमारी बीवी का उम्र 55 साल है जी, और उनका माहवारी रुका नहीं जी, बीच बीच में हो ही जाता है जी। एक और इसके बाद में उनका रीढ़ का हड्डी में बीमारी है, सर्वाइकल में और लुम्बा में जी, दो जगह में कंप्रेशन है, नर्व है, दब रहा है। बीपी का बीमारी है और थायराइड का भी, बहुत सारी बीमारियां बता दी, बीपी है, थायराइड है, पीरियड्स कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, क्या करें, बहुत परेशान है। अच्छा देखिए, पीरियड्स का तो बंद होने का वक्त है और उस वक्त में ऐसा होता है कभी हो गए कभी नहीं हुए, तो ये उनका वो वक्त है जहाँ पर मेंसेस बंद हो जाने वाले होते हैं। अब इसमें देखिए, रीत की हड्डी में और यहाँ पर आपके पत्नी के नर्व दबी हुई है, तो मैं बताता हूँ कि क्या करना है और अलग अलग नुस्खे आपको लिखने हैं। देखिए, एक तो ये एक्सरसाइज ये वो करते रहें, दिन में जितना भी उनके बस की है ये करते रहें, और एक ये ऐसे पूरी तरह मोड़ दें और यहाँ तक लाएं और यहीं देखें, ये करते रहें जितनी भी उनमें हिम्मत है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे उनको सर्वाइकल में परेशानी ख़त्म हो सकती है, कम हो सकती है। रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम है, अपनी जगह से जुम्बिश कर लेती है, सरक जाती है, यानी स्लिप डिस्क कहते हैं इसे। इसके लिए वज़न ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें, ऐसे कुर्सी वाले बाथरूम का प्रयोग करें, और गोंद स्याह अगर सही मिल जाए, असली वाला काला गोंद, तो आधा आधा ग्राम खिलाएं, तो ये दोनों समस्याएं ठीक हो सकती हैं। ये सिर्फ आधा आधा ग्राम ही खा सकते हैं, इससे कम हो जाए, ज़्यादा ना हो, बहुत तेज़ होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत नकली भी मिलता है, असली लेना है। और थायराइड का भी एक बड़ा अच्छा नुस्खा जो जिसने करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुँचाया, आपको पेश कर देता हूँ, आप लिख लीजिए। 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद, गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला लेना, पाउडर बनाइए, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, थायराइड की गोली के साथ में खाइए या बाद में खाइए या पहले खाइए। आप ये 6-7 महीने अगर इस्तेमाल करते हैं तो थायराइड कहाँ है आपका डॉक्टर आपसे कहेगा कि अब थायराइड की क्या गोली दूं आपको, तो फ़ायदा हो गया। हर महीने थायराइड की गोली कम करता जाएगा वो उसकी प्रोटेंसी, और एक दिन वो छूट जाएगी और अगले बार ये भी नुस्खा आपका छूट सकता है। प्रेम लता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं पंजाब से। प्रेम लता जी, अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब मेरे को, हेलो जी डॉक्टर साहब मेरे को, सबसे पहले तो आपको नमस्कार मैडम, और हकीम साहब को भी मेरा कोटि कोटि वंदन। नमस्कार। डॉक्टर साहब मेरी ये प्रॉब्लम है कि, बोलिए बोलिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, मैंने क्या, अभी मेरी 45 की एज है, उसमें क्या मैंने एक अपना बेटा भी खोया है, उसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। दूसरा डॉक्टर साहब मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, और डॉक्टर साहब मतलब इससे पहले मतलब बहुत ज्यादा झुर्रियां पड़ गई हैं, अभी मतलब ऐसे लगता है जैसे उम्र दुगनी लगती है उसके हिसाब से जी। तो मेरे को माइग्रेन भी रहता है डॉक्टर साहब, और दूसरा मेरे को पित्ते में पथरी भी है। अभी 2-3 दिन से मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, टांगों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और बार बार लेटने का मन होता है, यहाँ तक कि घर का काम करने में बहुत दिक्कत आती है। डॉक्टर साहब मेरे को प्लीज मेरी समस्या का हल कीजिएगा। मैं आपसे बहुत धन्यवाद दूंगी, बहुत बहुत ज्यादा, भगवान आपको खूब बढ़ाए फुलाए। अब जैसे मैंने आपको देखा है, मेरे को एक आशा की किरण नजर आई है आपसे। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी समस्या का समाधान करिए जी। जरूर लता जी, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की क्या करना है। आपके पास पेन और कॉपी ज़रूर होगा। तो देखिए, अगर पित्ते की पथरी बड़ी है तो वो निकलना मुश्किल है, अगर 2 mm 3 mm की है तो वो निकल सकती है, क्योंकि इतना ही सुराख होता है हमारे पित्ते का।
तो मैं आपको साफ इसलिए बता रहा हूँ कि आप गलत उम्मीद ना रखें, ठीक है। अब रही बात डिप्रेशन और थायराइड की, ये सब पूरी तरह ठीक हो सकता है, एक नुस्खा जो दो तीन काम करता है। देखिए, लिख लीजिए आप 300 ग्राम धनिया, 300 ग्राम धनिया, 300 ग्राम धनिया लिख लें, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद, इन सब का पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम पानी से लेना है। दूध मत पिया करिए आप जब तक थायराइड है, और ये अगर आप लेना शुरू कर दें वो गोली भी खाएं जो आपको डॉक्टर देता है, और आप देखेंगे कि हर महीने डॉक्टर आपकी थायराइड की गोली की पोटेंसी कम करेगा आपकी रिपोर्ट देखकर। पुरानी रिपोर्ट और नई रिपोर्ट को आप खुद भी मिलान कर सकते हैं, आपको बड़ा अच्छा फ़र्क नज़र आएगा। 6-7 महीने में आपका थायराइड कहाँ गया आप हैरत में पड़ सकते हैं। अच्छा, पित्ते का आप मायना करा के रखें, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ऑपरेशन की, ये आप इलाज लें। ये थायराइड जाने से आपके बहुत सारे रोग चले जाने चाहिए, और डिप्रेशन आपको चला जाएगा, लेकिन जो अपना बच्चा खोता है वो माँ कभी उसको भूल नहीं पाती, कभी कभी उसका ख्याल आएगा जब तक ज़िंदगी रहेगी, और इसमें मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन डिप्रेशन इतना ना बढ़ जाए कि आपको नुकसान देने लगे, उसके लिए ये नुस्खा आप लेंगे तो कभी इतना नहीं बढ़ पाएगा कि आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाए। और ये नुस्खा आपने लिख लिया, इसे इस्तेमाल करें, 5-7 महीने लगेंगे आपका ये रोग जाना मुमकिन है। दर्द के लिए जो आपके दर्द शरीर में कहीं जोड़ों में पिंडलियों में कमर में है, उसके लिए एक गोंद आता है, गोंद स्याह, इसे काला गोंद कहते हैं, असली लेना ज़रूरी है। आधा आधा ग्राम अगर आप कुछ दिन खा लें तो किसी भी बॉडी पेन से निजात मिल सकती है। इस वक्त एक और कॉलर है, मनीष जी ने हमें कॉल किया है मुंबई से। मनीष जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। जी हकीम साहब, आपको सुन पा रहे हैं, पूछिए अपना सवाल। मनीष जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। गुड आफ्टरनून सर, मनीष बोल रहा हूँ बॉम्बे से। जी 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 मनीष भाई बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सर। आदा सर, मुझे बीपी की शिकायत है करीब 7-8 साल से। ठीक है, कितनी उम्र है? 53 सर। हाँ देखिए, ये उम्र और ये रोग होता है ज़्यादातर लोगों को, सबको होने लगा, महिलाओं को होने लगा, और इसका निवारण भी है। अगर आप इससे निजात चाहते हैं तो जैतून का सिरका रोज़ पिया करें, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, और ये आपके खून को पतला करता है। और बीपी की होने की वजह हमारे खून का गाढ़ापन, दिल की कमज़ोरी या ब्लॉकेज, दिल की रगों में चर्बी का ब्लॉक कर देना होता है। ऐसे लोग जो रोगी हैं उनके लिए तो फ़ायदेमंद है ही, जो रोगी नहीं हैं, बज़ाहिर रोगी नहीं हैं, वो भी अगर लें तो दिल की बीमारी से, हार्ट ब्लॉकेज से, दिल के ऑपरेशन से, बीपी से, शुगर से निजात देता है। और एक और इस उम्र में रोग होता है जिसे फालिज कहते हैं, इससे बचा लेता है हर रोगी को, और जो रोगी नहीं है उनको भी ज़रूर लेना चाहिए 2-3 चम्मच जैतून का सिरका। आप इस्तेमाल करें मनीष जी, बहुत शुक्रिया सवाल करने का। और इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है, सुमन जी ने हमें कॉल किया है कोलकाता से। सुमन जी बताइए, आपके साथ किस तरह की समस्या है? जी नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। हमको समस्या है कि माथा में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उम्र कितनी है आपकी सुमन जी? जी उम्र कितनी है, एज क्या है आपकी? एज है 30 सर। हाँ जी।
30 है उम्र। 30 साल उम्र है और माथे में बहुत दर्द रहता है। हाँ, माथे में करीब 13 साल से दर्द है जी। अच्छा बेटा, रोज होता है क्या, कभी कभी होता है? हेलो सुमन, आप नहीं? हाँ जी, नमस्कार जी। आदाब। रोज होता है या कभी कभी होता है? नहीं, रोज होता है। अच्छा, फिर कोई दर्द की दवा लेते हैं जब ठीक हो जाता है? नहीं, ठीक नहीं होता है। जैसे असर, दवा का असर रहता है तब तक ठीक रहता है, फिर वैसा ही हो जाता है। ठीक है। तो सुमन देखिए, मैं ये देखिए, आप गौर से देखिए, मैं एक एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, वो आप शुरू करिए रोज़ाना 2-2 मिनट, और फिर बाद में आप कॉल कर सकते हैं। मैं कोई दवा आपको नहीं बताना चाह रहा, सिर्फ एक फिजियोथेरेपी बता रहा हूँ। तो ये आप 10 दिन करना, 10 दिन में आपको फ़ायदा लगने लगे तो फिर करते रहना, बगैर दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं। देखिए, ऐसे सीधा बैठें और ये ऐसे कान मिलाइए अपने कंधे से, कंधा बिल्कुल नहीं हिले और कान यहाँ तक पहुँचे जैसे मेरा पहुँच रहा है। ऐसे आप कम से कम 2 मिनट या उससे ज़्यादा रोज़ाना एक्सरसाइज करें, लगातार ना कर सकें तो इंस्टॉलमेंट में करें, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन 2 मिनट तो हो जानी चाहिए या उससे ज़्यादा। और एक ऐसे ज़ोर से मोड़े, इसे पूरी तरह यहाँ पहुँचाने की कोशिश करें, यहीं पर देखें, ये भी 2-3 मिनट करें। बस आप 10 दिन करिए, 10 दिन में अगर आपको आराम नज़र आ जाए 50% भी, तो आप छोड़िए नहीं इसे, जब तक करिए जब तक आपका दर्द बिल्कुल ना चला जाए। कोई दवा मत लीजिए, इसी से फ़ायदा मुमकिन है। और राज रानी जी का कॉल है इस वक्त हमारे साथ, मेरठ से हमें कॉल कर रही हैं। राज रानी जी, क्या सवाल करना चाहती हैं आप? जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर नमस्ते सर, मेरा एक नाती है, उसे शुगर की बीमारी है। क्या उम्र है नाती की? उम्र क्या है? 10 साल की है। 10 साल? ओह, बहुत छोटा बच्चा है, शुगर की बीमारी है। भगवान खैर करे, एक तो परहेज भी कराया करिए, और अभी शायद उसमें गुंजाइश हो ठीक होने की, तो 1 घंटा पैदल चले, 5-6 बार गर्म पानी पिए, और जैतून का सिरका 2-2 चम्मच छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला के दिन में 2 बार खाने से बाद पिलाया करें, और नज़र रखें उनकी बीमारी पर, परहेज़ पर भी नज़र रखें, तो देखिए क्या होता है। 1 महीना आप जैतून का सिरका देकर देखें। मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा कि इतना छोटा बच्चा ऐसी बीमारी में चला गया। और इस वक्त त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इलाहाबाद से वो हमें कॉल कर रहे हैं। त्रिपाठी जी बताइए अपनी समस्या के विषय में। हाँ प्रणाम मैडम, प्रणाम। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब से हमारा प्रणाम बोलिए। जी त्रिपाठी जी, मैं सुन रहा हूँ। प्रणाम प्रणाम डॉक्टर साहब, सबके लिए आप ऐसी योजना चलाए हैं, ऐसा देख कर रहे हैं, भगवान आपका भला करे और हमेशा आप ऐसे बने रहे। धन्यवाद। अच्छा, एक निवेदन है मेरा। जी जी बताइए। अच्छा ये है कि मेरी पत्नी है, उनको पैरों में दर्द रहता है, घुटने में, और 45 ईयर्स एज है, और मेरे लिए डॉक्टर साहब मेरा पेट साफ नहीं होता डॉक्टर साहब। ठीक है ठीक है, बहुत धन्यवाद आपके कदरदानी ज़र्रा नवाजी का, और आप जैसे लोग भी कम होते हैं जो कदर करते हैं सेवा करने वाले की, और मैं भी आप जैसे लोगों की बड़ी कदर करता हूँ। अच्छा देखिए, आपकी श्रीमती जी के लिए मैं अक्सर बताता हूँ, जो काला गौन वो असली लेना है, ये मिलता मुश्किल से असली, नहीं मिले तो फिर दवा ले लेना, वैसे इससे दवाइयाँ बनती हैं। तो और ये जो उसमें है ना, कीमत में बहुत कम होता है, 10-12 रुपए की 1 दिन में खुराक लगती है। आधा आधा ग्राम गोंद खाइए, अपनी धर्मपत्नी को खिलाइए आधा आधा ग्राम, तो 10-12 रुपए रोज़ का पड़ता है, यानी 100 ग्राम भी ले लिया तो आपका 3 महीने 10 दिन चलेगा, इतने में आपकी पत्नी का ठीक होना मुमकिन है। ठीक तो बहुत पहले हो जाते हैं, लेकिन इसे पूरा खाना ज़रूरी है, तो 10-12 रुपए की खुराक सस्ती, मतलब
दुनिया की सबसे सस्ती दवा है ये। अब आपको दर्द हो, आपकी पत्नी को हो, किसी रिश्तेदार को हो, उन्हें ये दे सकते हैं। अगर असली मिले, कड़वा होता है, नकली बहुत मिलता है, असली लेना है। और पेट के लिए आप देखिए, मेथी लीजिए 500 ग्राम, मेथी दाना तो आप जानते ही हैं, और इसमें 100 ग्राम एक रसायन आता है, कलौंजी का रसायन, या कलौंजी का नमक भी कहते हैं, या एस्टेक कलौंजी भी कहते हैं। त्रिपाठी जी, ये 100 ग्राम भी आपको मिल जाए तो ये देखने में नमक होता है लेकिन खाने में नमकीन नहीं होता। उसके साथ पाउडर बनाकर एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम खाएं। जिस दिन से खाएंगे उसी दिन से फ़ायदा शुरू होना है आपको, और इसे पूरा ख़त्म करना है। जब फ़ायदा हो जाए तो आधा चम्मच खाने लगिए, और ये ख़त्म होते होते आपका पेट की समस्या, चाहे वो कब्ज़ की हो, बवासीर की हो, किडनी की हो, इन्फेक्शन की हो, और गैस की हो, एसिडिटी की हो, ये सब समस्याएं, या लीवर की हो, ये सब समस्याएं एक साथ आपसे दूर हो जाएंगी और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं।